Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये मेरा दीवानापन है। जहांगीर फजूल की जिद मत करो। हर बार समझाता हूँ, तुम्हारे दिमाग से ये कीड़ा निकलता क्यों नहीं है? अल्लाह मेरी मदद कर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू ही कोई रास्ता दिखाने वाला है, तू ही मेरी मदद कर सकता है। तुम फिर आ गए? मैं सिर्फ आपको देखूंगा, एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। इतने सारे लोग आपको आते जाते देखते हैं, मेरा देखना आपको गवारा नहीं। दीवार खोद के? दीवार खोद के आप दरवाजे पे दस्तक दे देते, क्या फायदा होता? तो तुम्हें पता चल जाता। ये क्या कर रहे हैं शुक्र भाई? छोड़े मेरा हाथ। ए? मैं जीता जागता इंसान हूँ, तो मुर्दा थोड़ी जीता डर रही। छोड़े मेरा हाथ। बेटा मेरा बड़ा दिल कर रहा था, मैं छोड़े। क्या बकवास है? बकवास नहीं, दिल कह रहा है। जब से तुम इस घर में आई हो ना, मेरा दिल बहुत ज्यादा था तुम्हें छोड़ने के लिए। छोड़े, छोड़े मेरा हाथ। आओ मेरे साथ। छोड़े, छोड़े, छोड़े। जहांगीर, जहांगीर, छोड़े मेरा हाथ। शुक्र भाई, छोड़े। जहांगीर, मैडम, मैडम क्या हुआ? जहांगीर, मैडम, छोड़े। आओ मेरे साथ। मत कैसे मैं तो आपको हाथ लगा दी क्या? मत कैसे? जहांगीर, जहांगीर छोड़ दो। अरे भाई छोड़ो, तुम मार रहे हो इसको भाई। छोड़ो यार। अरे भाई मारो, मारो इसे। ये मैदान के घर में घुस रहा था, पहले भी मैदान को परेशान किया, वो बिचारी डर के मारे यहाँ रहने के लिए आ गया। इसको मारो। मैं गुस्सा हूँ, तुम गुस्से हो। मारो, मारो, तुम बुलाओ, मारो, 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 छोड़ो, 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 छोड़ो इसे। मुझ पर हमला इसने नहीं, इसने किया है। इसने तो उल्टा मेरी जान बचाई है। ये झूठ बोल रही है भाइयों, झूठ बोल रही है। डर गई है इससे। आप डरो नहीं, मैं हूं ना। सच सच बता दो, ये अवारा है। बकवास बंद करो अपनी। अवारा ये नहीं, अवारा तुम हो। पागल हो तुम, जुनूनी हो। भाइयों
वही शख्स मेरे घर में कूदा है और जहांगीर ने मेरी जान बचाई है इससे। अबे तुम्हें शर्म नहीं आती मोहल्ले की बहन बेटियों को छेड़ते हुए और उनके घरों में कूदते हुए है? तुपा। कितने पैसे बदल रही है ये औरत। अरे भाइयों तुम लोग तो जानते हो मैं यहाँ काफी अरसे से रह रहा हूँ, जानते हो ना मेरे को, ये लोग तो कल ही आए हैं यहाँ पर। तेरी बात का यकीन करो, मेरी बात का यकीन करो, मैंने तो नेकी का काम किया है। ये 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 वो मेहताब है जिसके शौहर ने ठीक ईद वाले दिन इसका हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया था। मैं कम आया हूँ इसको, ओके मैंने ही दरवाजा तोड़ा था, मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है भाइयों। अरे शकुर भाई, अभी तो तुम कह रहे थे इस लड़के ने हमला किया है मेहताब पर, और अब तुम कह रहे हो ये इसका आशिक है। तुम्हारी तो नियत में फुतूर लगता है मुझे। हाले मिला भाई, मैंने तो इस औरत की इज्जत बचाने की कोशिश की, मुझे क्या पता कि मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। भाड़ में जाओ तुम सब, जो करना करो, मैं तो जा रहा हूँ। अरे भाई चलो भाई, भाई सब अपने अपने घर की तरफ चलो। अरे पता नहीं कैसा मोहल्ला हो गया है, ये समझ नहीं आ रहा अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, अभी तो अल्लाह ही जानता है। भाई चलो भाई चलो, हाँ चलो। वापिस चले जाओ जानकी। मुझे रंग दे अपने रंग में, मुझे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे। बदला तो मैं जरूर लूंगा मेहताब, तुझे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा तो मैं तुझे भी नहीं नन्हे आशिक। खैर आना तो तुझे मेरे ही हाथों में है। इश्क ने जहांगीर को फकीर बना दिया, लेकिन ये फकीरी ऐसी है जिसमें सारी उम्र गुजारने को दिल चाहता है। ये मेरा दीवाना, मेरा दीवानापन। हाँ भैया आ गया आवारा तुम्हारा, जाकर निकल कर दे कहाँ चला गया। वैसे तो तुझे जाने ही नहीं देना चाहिए था उसे, दिमागी हालत ठीक नहीं है उसकी, पता नहीं कहाँ निकल जाए। चल भाई थोड़ी यहाँ से बैठना है मुझे। तो बैठ जाए आप जा। यहाँ से थोड़ा कहीं का। अरे जब से ये मुफ्तखोरे हमारे घर में आए अजीब नहुसत का साया पड़ गया, मसले के खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। चलो कहीं और जाके बढ़ मुफ्तखोरा। नफीसुद्दीन अस्पताल में फोन करो, पता करो कहाँ चला गया वो। क्या होगा अब्बा जान, अल्लाह खैर करेगा। खुदा तो तब खैर करेगा जब बंदा खैर चाहेगा। तुम्हारा लड़का तो बर्बादी चाहता है,
तू क्या बद बनी खड़ी है? पता के नहीं गया तुझे कहाँ जा रहा है, कब आएगा? नहीं अब्बा जान, नहीं अब्बा जान, जब खुद के अमाल ऐसे हैं तो दूसरे को क्या रोना। ठीक करता है, ठीक करता है तुम्हारा लड़का सारी रात घर से बाहर रहकर। तुम्हारे परेशान होने से वो नहीं आएगा, तुम्हारा हमारा तभी आएगा जब उसका अपना जी चाहेगा। तुमसे कोई बात हुई थी? अरे अकेले मेहताब के घर तो नहीं चला गया वो? मुझे मेहताब का एड्रेस नहीं मालूम। हाँ तो तुम्हें नहीं पता ना, उसे तो सब पता है, सारा दिन हमारा गर्दी करता फिरता सड़कों पर। मेहताब का घर ढूंढना उसके लिए कौन सा मुश्किल काम है? आपा उसको भी एड्रेस कैसे मालूम होगा? तुम तो रहने ही दो नफीसुद्दीन। आपा जान क्या बात कर रही हैं आप? जागते रहो जागते रहो जागते रहो जागते रहो जागते रहो। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माले के न माने, लोग माने गे जरूर। क्या हुआ मेहता? अपनी हालत पे रहम खाओ, खाना खाकर घर चले जाना। इश्क ने जहांगीर को फकीर बना दिया, लेकिन ये फकीरी ऐसी है जिसमें सारी उम्र गुजारने को दिल चाहता है। खाना खाके घर चले जाना, तुम्हारी माँ परेशान हो रही है। आपको मेरी अम्मी की परेशानी की इतनी फिक्र है कि मुझे उनकी परेशानी से प्यार हो गया। कितनी खुशनसीब है मेरी माँ जो आपको उनकी इतनी फिक्र है। बस क्यों नहीं आते जांगी, छोड़ क्यों नहीं देते ये फजूल की बात? इश्क छोड़ा तो नहीं जाता, इंसान तो उसके बस में होता है। ये अपनी मर्जी से छोड़ दे, दुआ कीजिएगा। फिलहाल तो मैं इसके कब्जे में हूं। ठीक है, शुक्रिया। अभी नफीस आ गया तुम्हारा हमारा? मैं हॉस्पिटल जाकर पता करता हूँ। इस वक्त बाहर कहाँ जाएंगे आप? बाहर नहीं जाऊंगा तो कैसे पता चलेगा वो कहाँ पर है? रुके भाईजान, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। बेटे को हिफ्ज़ो अमान में रखिएगा, जहांगीर भी हो खैरियत से। जागते रहो जागते रहो जागते रहो जागते रहो। कब तक बैठे रहेगा?
ना कभी तो जाएगा ना, जब तू जाएगा तो मैं तो आपके घर में चला जाऊंगा। मैं देखता हूं अगर तू मर्द का बच्चा है तो मैं तो आपको मुझे से बचा के दिखाना। खाना खा लिया जी? तो घर क्यों नहीं गए? चला जाऊंगा। चले जाना। आइंदा ना आने का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन अभी जा सकता हूँ आपके कहने पे। अगर आप एक बार मुझे मुस्कुरा के देखें। ये मेरा दीवानापन या मोहब्बत, मेरा दीवानापन। तुम अभी तक बैठे हो? यानी अपनी दौलत को बिना हिफाजत कोई छोड़ के कैसे जा सकता है? और आप तो मेरी जिंदगी भर का सरमाया है। ठीक है तुम जाओ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। पता है आपके सफेद रंग को देख के मुझे सारे रंग समझ में आ गए। से आप घर छोड़ के गई हैं, मुझे तो कोई रंग नजर ही नहीं आता। जब से आपको देखा है ऐसे लगता है सारी दुनिया फिर से रंगीन हो गई है। अच्छा बस, आप कहती हैं आपको हॉस्पिटल छोड़ दूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है फिर, मैं शाम को वापस आऊंगा। इसकी भी जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, दोबारा ना हो यहाँ। आइंदा ना आने का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन अभी जा सकता हूँ आपके कहने पे। अगर आप एक बार मुझे मुस्कुरा के देखें। तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज की वजह से मैं सारी रात सो नहीं सकी। मैं भी तो आपकी वजह से सारी रात सो नहीं पाया, मैंने तो कोई शिकायत नहीं की। आप एक बार मुस्कुरा दीजिए ना। जहांगीर तुम जाओ यहां से, जागते रहो। ये मेरा दीवानापन या मोहब्बत का सुरू, ये मेरा का शुरू। तू न पहचाने तो है ये तेरी नस्लों का कुसूर, ये मेरा दीवानापन। आपा जान, माँ बाप की कभी की कोताही सारे घर को मसले में डाल देती है। क्या कहे, हमने तो जब जब कहा जलील और रुसवाई हुए। नफीस कहाँ गए हैं? मुझे क्या पता, मैं तो सो रही थी। ये इसकी बेगम से पूछो,
वैसे तो आंखें बंद करके बैठती है, शायद आज कुछ बताओ इससे। अतिया, नफीस कहाँ गए हैं? कह रहे थे अस्पताल वगैरह में पता करके आएंगे। आप आ गए? जानी का कुछ पता चला? नहीं, सब जगह देखा कहीं नहीं मिला। कहाँ कहाँ देखा? सिर्फ अस्पताल में ही देख कर आ रहे हो, मुर्दा खाने में भी मालूम किया या नहीं? ये आंखें फाड़ कर अपने लौंडे को देखता ना, इस तरह घर छोड़ के ना भागता वो। आपने पुलिस वगैरह में बात की? गया था पुलिस स्टेशन, कह रहे थे 24 घंटे के बाद रिपोर्ट लिखवाने आए। अच्छा, आप परेशान मत हो, जहांगीर जरूर घर आ जाएगा। तुम्हारी बात बुरी हो गई। आ गया इनका वारा लौंडा, साहिरा का याशी करके। तुम आ गए, माँ को इस तरह अंगारों पर लौटता छोड़, कहाँ कहते तुम? दवा लेने गया था मैं। कहाँ थे जाएंगे? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। नफीस प्लीज रिलैक्स, वो अभी अभी तो घर आया है, बाद में सब हालात कर लीजिएगा। देखा, तुम बीच में मत बोलो। बताओ, इससे पहले कि मेरा हाथ उठे, बताओ कि तुम कहाँ थे सारी रात? मम्मी को बता के गया था, वो दवा लेने गया था अपनी। कहाँ लेने गए थे दवा? जहाँ दवा मिलती है, सुकून मिलता है। जहाँ को नशा किया हा? और ये तुम्हारी हालत कैसे बनाई है? इश्क ने अबू। पागल हो गया भाई तुम्हारा बेटा। इस पे तो लगता है किसी आसेब का असर है या फिर कोई तावीज उल्टा पड़ गया इस पर। ये तो गया अपने काम। आज मैं इतना खुश हूँ, आप लोगों से बहस करने को भी दिल नहीं कर रहा। तवा, मैं कौन सा तुझसे बात करना चाहती हूँ? सारी रात हमारी खराब कर दी बेगैरत कहीं का। फिर जब ताज तू हमारे सरों पे पहनाएगा ना, वो तो सारी दुनिया देखेगी, एक गंदी औरत लाके नस्ल ही बर्बाद कर दी हमने। किससे उलझ गया बोलो? शैतान से। साफ साफ जवाब दो, ये पहली मत पूछो। आप मुझे बहुत नींद आ रही है, सो जाओ।
उठो बेटा, उठ के नाश्ता कर लो। के आने की खुशी में थोड़ा मीठा ही बना लीजिए। जी जरूर, मैं भी सोच रही थी कि कुछ मीठे में बनाऊं। जहांगीर को भी मीठा बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात। अरे छोड़े। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतना कीमती खून है आपका। आइए आइए। आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हाथ कट गया। हाँ, और मैंने सोचा कि अदिया बहन का हाथ पानी से साफ कर दूं। मैंने आपसे तो कोई सवाल नहीं पूछा, आप क्यों सफाई पेश कर रहे हैं मुझे? कैसी सफाई? किस बात की सफाई? अदिया बहन, आप अपने जख्म पे पट्टी बांध दीजिए वरना खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। जानी, कुछ खाओगे? नहीं। फरामोश और घटिया औरत मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। मैंने तुम्हारे हर बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया और तुमने मेरे ही शौहर पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाया। ऐसी कोई बात नहीं है रियाना, तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। कुछ नहीं समझना मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के बारे में ऐसी बात करने की? और वो लड़का मेरे सामने तो तुम उससे बड़े नफरत के नाटक कर रही थी और मेरे जाते ही उसे मोहब्बत के चिराग जला लिया तुमने। ऐसी कोई बात नहीं है रियाना, रात को बाकी शुकुर भाई खबरदार जो मुझसे किसी भी किस्म की कोई मदद की उम्मीद रखी तो। अगर मुझे पहले पता होता ना कि मेरे एहसान का बदला तुम इस तरह चुकाओगी तो मैं कभी तुम्हें अपने घर में घुसने तक ना देती। तुम आप रोजाना 6 बजे जाती है ना ड्यूटी के लिए,
तो मैं रोज 6 बजे आ जाया करूंगा। जब आप जाएंगी तो मैं भी चला जाया करूंगा। तुम्हारी इन हरकतों से कुछ नहीं होने वाला, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। आप एक बारी कह के तो देखें। तुम्हें मालूम भी है तुम्हारे और मेरे दरमियान कितनी दीवारें हैं? मोहब्बत के तो पर होते हैं, उन्हें दीवारों का क्या डर? उनके सारी दीवारें पार कर लेते हैं। जहांगीर बाज आज ठीक हासिल होना। तो आप बताइए ना, आपको हासिल करने के लिए मुझे क्या करना है? मैं बाल सफेद कर लूं, अब लाठी लेकर चलना शुरू हो जाऊं, या मोटा वाला चश्मा लगा लूं? जो आप कहेंगी मैं करने को तैयार हूं, लेकिन बस इनाम में अपना आप मुझे दे दीजिए। तुम्हारी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैं अगर खुद को बर्बाद करने के लिए सोच ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मोहब्बत में तो बर्बादी खुशकिस्मत लोगों को नसीब होती है, और मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा? मेरी बात सुनो। हम ऐसे ही बुत बने बैठे रहोगे या मेरी बात का जवाब भी दोगे? क्या पदम, ये जवाब है मेरे सवाल का? भाईजान अब कुछ ना कुछ तो करना होगा ना आपको, आखिर इस तरह कब तक चलेगा? और क्या, फिर इसमें हर्ज ही क्या है? तुम तो वैसे भी चाहते थे कि निकट से तुम्हारी शादी हो जाए, अब जब किस्मत मौका दे रही है तो फिर पीछे क्यों हट रहे हो? और क्या भाईजान, अब जहाँ तक दो बीवियों का सवाल है तो एक ऊपर रह लेगी और दूसरी क्वार्टर में, उन दोनों का मसला भी हल हो जाएगा और हमारा भी। अब बिस्मिल्लाह करें और निगत से निकाह कर लें। किसको धोखा दे रहे थे हा? किसको धोखा दे रहे थे हा? जो तुम लोग कर रहे थे छुप नहीं सकता। वो आपकी सख्त शक्ल नहीं देखना चाहते, बल्कि हकीकत की बात तो यह कि अब तो मैं भी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। ATV, सारे रंग हमारे।